सानिया से पूछ रही है लेना है कि नहीं। अल्ट्रा एज से पता चलेगा। जी हाँ। Yep, thanks. Just bring that back up and for me, please. So दोनों बिल्कुल सब पर लिख चुका दिख रहा था साइड से। बढ़िया अंपायरिंग यहाँ पे। दूसरी अच्छी कई बड़े शॉट के लिए नाच से वो और मिल गया उनको नतीजा। बिल्कुल सेट है एक थ्रिलर के लिए। इस बार फुल गई लेग बाइस के जरिए चार रन और मिल जाएंगे इंग्लैंड को। इस बार फिर से फुल डिलीवरी। दो रन के लिए गई है तानिया भाटिया वो मौजूद। स्टीवन को आउट कर सकती है। दीप्ति को तो लगता है आउट है और जाना पड़ेगा। ये हो सकता है भारत के लिए यदि कप्तान नैट सेवर चले जाए। क्योंकि अब एडवांटेज इंडिया है। भारतीय फैंस की शोर सुनिए। ड्रामा सेमीफाइनल है तो रोमांच की कमी नहीं होनी चाहिए। पर उससे पहले वाली गेंद ड्रॉप क्योंकि इंडिया को पेनल्टी मिली है। अब केवल तीन आउटफील्डर इस आखिरी ओवर के लिए तो तीनों के तीनों फील्डर हरमनप्रीत कौर ने लेग साइड पर लगाए हैं। गोल्ड मेडल मैच दाव पर स्टंपिंग चाहिए। सिंगल आराम से। भारत ने हराया है इंग्लैंड को। भारत जीती थी क्योंकि कोई रिजर्व डे नहीं था। फुल टॉस एक बार फिर से पर मिड ऑफ फॉर विकेट। कैथरीन ब्रंट भी चली गई है वापस। पूरी भारत को अभी स्नेह राणा से स्नेह हो रहा है और हरमनप्रीत कौर करेंगी सेलिब्रेट। क्यों नहीं। इंग्लैंड मेहमान नवाजी नहीं कर बॉल को उस पर बहुत कष्ट निर्भर है। फुल टॉस एक बार फिर से स्नेह राणा द्वारा लेकिन एक और विकेट मिल सकती थी। समझ लीजिए क्या है समीकरण इस मैच का। समझ लीजिए कि भारत सेलिब्रेट होने के लिए तैयार हो रही है। कुछ पलों के लिए समय थम सा गया था लेकिन अब पूरा भारत खुशी से झूम उठेगा। इस भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने यह सुनिश्चित कर दिया है।